आपको इस बात के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आपने एक ऐसे संवेदनशील विषय पर जिससे संपूर्ण राजस्थान और देश अपने नागरिकों और बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए चिंतित है। मैं सोचता हूँ कि कई बार हम अपने दिमाग में जयपुर अलग है और दिल्ली अलग है इस रूप में जब बात बोलते हैं तो मन को बहुत ही दुख होता है। ये समस्या न राजस्थान की न दिल्ली की, हम सब की है। ये बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। हमारे भारत के नागरिक को लाने का दायित्व तो हम सब लोगों का सामूहिक रूप से है। तो एक तो ये जो दिमाग में जो एक डंडा लगा करके ये मैंने किया ये मैंने किया, इसके बनिस्पत ये हम सब ने किया, अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ इसमें और ज़्यादा अपन इसमें सफल होंगे। यूक्रेन के बारे में जो समस्या थी वो पहली एडवाइजरी 15 तारीख को फरवरी को केंद्र सरकार ने जारी कर दी और कहा कि आप तुरंत लौट आओ। मैं सोचता हूँ उसके बाद तो 24 से युद्ध शुरू हो गया और उसकी पोजीशन कुछ अलग प्रकार से होगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने इसके बारे में कोई चिंता नहीं की, क्योंकि आपके मंत्री जी का भाषण सुनकर के लगा कि दिल्ली और दिल्ली सरकार का कहीं नाम भी नहीं लेना, ये हमारी मन भी कमजोरी लगती है। मैं सोचता हूँ ऐसे विषय पे कभी भी न पार्टी लाइन आनी चाहिए न सरकारें लाइन आनी चाहिए, हम सब मिलकर के एक काम करते हैं इस बारे में हमको विचार करना चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि हमको भी राजस्थान की कोई टीम दिल्ली में बिठानी चाहिए जो इन सब बच्चों को जहाँ से भी हमारा जो विदेश मंत्रालय है उससे कॉन्टेक्ट में रहें, उन बच्चों के टेक्निक हम सब लोग भी अगर आपस में बातचीत कर सकें तो मैं सोचता हूँ 10 बच्चों से बातचीत करने से भी सैकड़ों बच्चों के पेरेंट्स को इस बात का पहुँचेगा कि राजस्थान के फला फला जिम्मेदार व्यक्ति ने मेरे सुख दुख के बारे में भी मुझसे बात की, तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। वैसे केंद्र सरकार ने चारों मंत्रियों को पहले से ही वहाँ भेज रखा है, आपने देखा होगा रोमानिया पोलैंड हंगरी और जेकुस्लाविया में हमारे मंत्री वहाँ हैं, के सिंह जी वहाँ हैं, पुरी जी वहाँ हैं, उनको पहले से ही केंद्र सरकार ने वहाँ डेपूट कर दिया। लेकिन जो बच्चे निकल करके बॉर्डर तक आ गए उनको तो फिर भी हमारे जो फ्लाइट अब आ रहे हैं है ना, ये जो ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ उसमें बच्चों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, अब सेना के भी हमारे कई जो है प्लेन उन सारे बच्चों को सुरक्षित निकाल के ला रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1000 किलोमीटर की लंबी जगह पार करके बॉर्डर तक पहुँचना कई बार उनको बहुत बड़ा संकट दे रहा है। इसके बारे में जो कुछ भी व्यवस्था केंद्र सरकार और हम मिलकर के, हमारे लोग भी वहाँ हैं, हम में से कई लोगों का कॉन्टेक्ट भी हुआ है। मैं जो अभी 18 फरवरी के दिन ये जो केंद्र के जो है अपने विदेश मंत्री जी ने जो पूरी सूची जारी की है उसमें सारे उन्होंने वो सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं कि अगर मान लो हंगरी में कॉन्टेक्ट करना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका कौन उसको फॉलोअप करेगा, रोमानिया का कौन करेगा, पोलैंड का कौन करेगा, लेगा क्या क्या कौन करेगा, इसके सारे के नंबर जो है ना दे रखे हैं जो मैं टेबल पे रख दूंगा। ये उन्होंने सारी व्यवस्था की है, उतनी सारी के सारे फ़ोन कहाँ कहाँ कौन कौन उपलब्ध है, और उन्होंने गाइडलाइन में ये भी कहा फिर भी अगर आप हमारे साथ कोई विशेष जानकारी साझा करना चाहें तो कृपया नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीधे मेरे कार्यालय से संपर्क करें। इन्होंने लिखा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर पूछताछ और सूचना का संज्ञान ले रहे हैं, सभी पूछताछों के बारे में संबंधित स्थान पर उपस्थित विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फिर भी आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई कमी खामी है तो भी हम उनको कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी बाउंड्री में है। ऐसा है कि जो काम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वहाँ जाकर, हाँ ये विदेश मंत्री का जो है पत्र है जिसमें उन्होंने सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए, मैं एक एक का बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये हाउस पे टेबल पे रख दूंगा ताकि इसकी सबकी कॉपी हम सब लोग लेकर के और निश्चित रूप से इन पर भी संपर्क करने की कोशिश करें तो हम इसमें संपर्क जो है वो कर सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि हमारे 1000 बच्चे हैं या जनता है सबको लाना इस समय आवश्यक हो गया। अब आज की तारीख में वो वहाँ रहने की मानसिकता में नहीं है, न रह सकते हैं। अब कौन कैसे आए, केवल एक ही जगह जो परेशानी आ रही है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो राजधानी की ऊपर है और वहाँ जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है और हमारे बच्चे जो खारवी जो स्थान है वहाँ पर भी हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए गए हैं,
सुमी में भी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उन बच्चों को निकालने के लिए भारत ने रूस दूतावास से संपर्क करके हमारा आदमी वहाँ बिठा रखा है। जो रूस की जो बॉर्डर है वो 100 किलोमीटर पर ही है, उस बॉर्डर से भी हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाल करके लाया जा सके। उन्होंने रूस सरकार से भी इस बारे में विवाद करके और व्यवस्था कर रखी, हमारे व्यक्ति वहाँ मौजूद हैं। हमें भी किसी के बारे में कुछ अगर जानकारी मिले तो विदेश मंत्रालय से कॉन्टेक्ट करके उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन बताएं, कहाँ है क्या है, वो हर प्रकार से मदद करेंगे। मैं सोचता हूँ इस संवेदनशील विषय पर मैं पक्ष विपक्ष नहीं, पार्टी नहीं है, यहाँ हम सब लोग एक हैं और भारत के हर नागरिक को, जिसमें राजस्थान के नागरिक भी हैं, उनको सुरक्षित बचा लाने के लिए हम सब लोग जहाँ जहाँ जिस प्रकार से भी उसके परिवार को मदद करने की स्थिति में हमें उस व्यवहार से करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ आपने जिस मन से इस चर्चा को रखा है उसका ये कि राजस्थान में उन सब माता पिता को, उन परिवारों को ये संदेश जाए कि हमारी पीड़ा के साथ राजस्थान का सारा जनप्रतिनिधि भी एक राय होकर हमारे बच्चों को सुरक्षित यहाँ लाने के प्रयत्न में अपनी भागीदारी पूरे मन से निभा रहा है, तो मैं सोचता हूँ हम स्वयं भी संतुष्ट होंगे और राजस्थान की जनता को भी संतुष्ट कर पाएंगे कि हम सब लोग मिल करके संकट के समय में अपने बच्चों और नागरिकों की मदद कर रहे हैं।